नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं माय टेक्निकल पेज। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो एक नए ब्लॉगर हैं या नए वेबसाइट बनाए हैं तो उस पर आर्टिकल पोस्ट कैसे करें। वो जो है कि मोबाइल से अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो उतना अच्छा पोस्ट कर नहीं पाते, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कंप्यूटर में जैसे बोल्ड किया जाता है, इटैलिक किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है और लिंक लगाया जाता है, पिक्स लगाया जाता है, तो सब कैसे लगा के पोस्ट करना है, तो उसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, जो नए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, आपको डाउनलोड करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको डाउनलोड करना है ब्लॉगर। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐप डाउनलोड करने हैं आपको। पहला ऐप डाउनलोड करना है ब्लॉगर, दूसरा ऐप है आपको बता रहे हूँ पॉपिन, दूसरा ऐप ए डाउनलोड करना है पॉपिन, और तीसरा ऐप जो डाउनलोड करना है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो तीनों ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है आपको सबसे पहले आना है जो सिंपली लोग यूज करते हो, किसका यूज करते हैं, ब्लॉगर का। तो यहाँ पे ब्लॉगर पे आप सिंपल पोस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्स नहीं डाल सकते सिर्फ, और पिक्स डालने के बाद आप उसका टाइटल नहीं लगा सकते अलग से, जो बहुत सारी चीज़ें हो तो वहाँ पर आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आपको लगाने के लिए करना क्या है, अगर आप सिंपल लिखना चाहते हैं तो आप यहां से टाइटल देके और कंटेंट में लिख के डाल सकते हैं। तो आपको सिंपली मैं बता देता हूं करना क्या है। इसे मैं डेमो ले लेता हूं, डेमो, और यहां पे कंटेंट में कुछ भी लिख देता हूं। तो यहां पे लिखने के बाद आपको सिंपली करते हैं बोल्ड, जो सेलेक्ट करने के बाद उसको यहां से कर सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ पे अगर कोई लिंक लगाना चाहते हो इस पर क्लिक करके अपना लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई लिंक लगा देता हूँ। लिंक लगाने के बाद यहाँ पे करते हैं सेव और इसको सिंपली कर देते हैं पब्लिश। तो एक था सिंपल वेब, और यहाँ पे आप लेबल्स लगा सकते हैं, जो कैटेगरी आप डालना चाहते हैं, टैक्स डालना चाहते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आता है, तो जिस कैटेगरी में आता है आप उस कैटेगरी के ले लें, एंड्रॉइड एडसेंस जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं। तो मैं इसको फिलहाल एडसेंस के कैटेगरी में डाल देता हूं, और उसके बाद कर देता हूं सेव, या आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए पिक्स डालने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, पिक डालने का जो है ऑप्शन है यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर आप पिक कहाँ पर जाएगा ये पता नहीं है आपको। तो आप जिस जगह पिक लगाना चाहते हो उस जगह लगाने के लिए आपको आना है सिंपली पॉपिन ब्राउजर में, इसको ओपन करना है, और पॉपिन ब्राउजर ओपन करने के बाद अपना ब्लॉगर ओपन कर लीजिएगा। ब्लॉगर ओपन करने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपका ओपन हो जाएगा, देखिए डेमो मैंने लिखा था यहाँ पे आ गया, तो इस पर करना है क्लिक हमको डेमो पे, और जो HTML में अभी फाइल दिख रहा है हमको इसको कंपोज करके आना है इस वाले फाइल में। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिंक डाला था तो ब्लू हो गया। अब यहाँ पर पिक डालना है जस्ट इसके नीचे, तो हमें जाना है पिक वाली ऑप्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलरी, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको करना है यहाँ पे चूज फाइल, उसके बाद आपको करना है अगर पिक्चर खींचना चाहते हैं तो खींच के लगा सकते हैं, या चूज फ्रॉम लोकल, तो यहाँ से मैं चूज फ्रॉम लोकल कर देता हूँ, जो अपने गैलरी में पिक है उसको लगाना चाहता हूँ। तो लगाने के बाद आना है एल्बम में, और जो पिक लगाना चाहते हैं आप तो ये लगा देता हूँ दिवाली धमाका गिवे, जो मेरे चैनल पे अभी चल रहा है उसका पिक थंबनेल मैंने बनाया था, तो उसको मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो ये फाइल देखिए अपलोड हो रहा है, फाइल अपलोडेड कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट और आपको लगा देना है ये फाइल। तो दोस्तों ये फाइल लग गया, उसके बाद हमें दे देना है यहाँ पे, इसको कर देना है एक्स्ट्रा लार्ज, उसके बाद हमें करना है एड कैप्शन में जाने के बाद अब जो फोटो जहाँ से लिया है उसको वहाँ पे उसका क्रेडिट दे दे, नहीं तो आपके पिक पे या आर्टिकल पे कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। तो मैंने इसको गूगल से लिया था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल इमेज, गूगल इमेज लिखने के बाद आपको कर देना है सेव,
सेव करने के बाद अगर आप कुछ और नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो इस ब्राउज़र में आपको दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे पिक लगाने के लिए सिर्फ इसको यूज करें पफिन ब्राउज़र का। और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाएं अपने जो मैंने तीसरा ऐप डाउनलोड करवाया है उसको, माई ब्लॉग नाम है उसको, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो ओपन करने के बाद आपको जो है जाना है, सिंपली इसको कट कर देना है, ऐड आएगा। और कट करने के बाद आपको करना है यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको ओपन मिल रहा है। और उसके बाद करना है आपको यहाँ पे सीधे जाना है एडिट में। तो एक पफिन ब्राउजर से सिंपल मिलता है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ब्लैक बैक का, फॉरवर्ड का, रिफ्रेश का और क्लियर हिस्ट्री, यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप टाइप करना चाहते हैं इस साइड इंटर करते हैं और जस्ट इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ से कर लेते हैं इसको राइट साइड में। तो एक्चुअली यहाँ पे हमको और भी जो कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसको जो आर्ट हमको लिंक लगाना है तो लिंक लगा सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो कैसे लगाते हैं, मेरे बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि यूट्यूब का वीडियो कैसे लगाएं अपने ब्लॉग में, तो उसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर वीडियो मैंने एक्चुअली बनाई हुई है, तो वीडियो आप देख लेंगे तो उसको कैसे लगाना है अपने ब्लॉगर में यूट्यूब का वीडियो, तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। और इसको बोल्ड इटैलिक करना है तो आप जिस वीडियो जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लें, तो मैं इसको करना चाहता हूँ बोल्ड। ये हो गया सेलेक्ट, मेरा सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं जो बोल्ड की कैटेगरी आ रही है इसको बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो आपका बोल्ड हो जाएगा। इसकी साइज आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसकी साइज भी, लार्जेस्ट नॉर्मल करना चाहते हैं जैसा आप करना चाहते हैं उस तरह से आप इसका साइज कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ लार्ज, तो देखिए वीडियो जो टेक्स्ट सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पर आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल हेडिंग मतलब जो रखना चाहते हैं आप, नॉर्मल रखना चाहते हैं नॉर्मल रख सकते हैं, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट का हमें कलर चाहिए, जो कलर चाहिए उसको मैं कर सकता हूँ, हमें चाहिए उसको करना है हमको ब्लू, तो हम ब्लू पे कर देंगे टिक, तो वीडियो हो गई देख सकते हैं टेक्स्ट हो गया ब्लू। और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर वीडियो के लिए, अगर डायरेक्ट वीडियो यूट्यूब पर नहीं है आप यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इस वीडियो को इस जगह से, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इमोजीज लगा सकते हैं, यहाँ पे जो है कि पेज जो है ब्रेक कर सकते हैं, जिससे इसको पेज ब्रेक करने के बाद आपको रीड मोर का ऑप्शन आ जाएगा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप कैसे यूज करना है। लेकिन जो प्रोफेशनल वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो ब्लॉग अपना डिजाइन करवाए हुए हैं, उनमें ये ऑप्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है लाइन बाई लाइन जो है कि आप जैसे पॉइंट देकर लिखना चाहते हैं 1 2 3, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप जो है कि हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आप जो इंग्लिश में टाइप करेंगे वहाँ पे हिंदी में टाइप होगा, जैसे मैंने लिखा हैलो। तो दोस्तों ये जो हैलो का ऑप्शन है वर्ड, ये फिलहाल कंप्यूटर पे ही काम करता है, मोबाइल में दिक्कत हो सकती है आप, तो मोबाइल में दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे आप डाउनलोड कर ले एक प्ले स्टोर से गूगल कीबोर्ड, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे यूज करता हूँ गूगल कीबोर्ड हिंदी लिखने के लिए, तो ये हिंदी लिख सकते हैं आप, और भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और इधर साइड में आपको मिलता है ढेर सारे ऑप्शन, यहाँ पर आप लेबल लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लोकेशन लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं और कस्टम सेटिंग कर सकते हैं आप इस आर्टिकल के, जैसे लिंक वगैरह जो सेटिंग करना है उसको लिखने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे पब्लिश, तो मैं कर देता हूँ इसको पब्लिश। और पब्लिश होने के बाद जो है कि आर्टिकल आपका पब्लिश हो जाएगा यहाँ पे, तो आर्टिकल पब्लिश होने के बाद आपको इधर भी कुछ ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
तो इधर देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ढेर सारे, स्टेटस चेक करने का, पोस्ट कितने किए हैं आपने, ड्राफ्ट में कितने, पब्लिश में कितने हैं और स्टेटस में कितने हैं, कमेंट्स, अर्निंग, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको मोबाइल में इस ऐप में मिल जाते हैं। तो ये ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप एक अच्छा पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आर्टिकल लिख लीजिए और जो है उसको पोस्ट कर दीजिए। तो ये काफ़ी सिंपल मेथड है मोबाइल से पोस्ट करने के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक रास्ता होता है हमें आपसे कॉन्टैक्ट करने का, बात करने का। और हमें सिर्फ आपसे चाहिए तो बस एक सब्सक्राइब हमारे चैनल पर। तो ये वीडियो आपको जैसा लगे हमें कमेंट करके बताइए, अगर कोई दिक्कत आती है तो भी कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।